नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने YouTube चैनल मेडिसिन जानकारी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रेबिसार डीएसआर कैप्सूल का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, आप किन किन कंडीशन में इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप है। एमआरपी की भी बात की जाए तो 90 रुपी इस कैप्सूल की एमआरपी है। और इस कैप्सूल को मार्केट करती है बी शारदा लाइफ साइंस द्वारा। इस कैप्सूल को मार्केट किया जाता है और इसमें सॉल्ट मिलाया गया है राबेप्रिजोल सोडियम 20 mg एंड डोमपेरिडोन 30 mg, इसमें सॉल्ट मिलाया गया है। तो दोस्तों, जान लेते हैं आप किन किन कंडीशन में इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पेट में ज़्यादा गैस बन रही हो, सीने में जलन होना, अपच, पेट में अल्सर होना, पेट में जलन होना, बार बार खट्टी डकारी आना, पेट में दर्द या जलन जैसा महसूस होना, जी मचलाना, उल्टी होने का मन होना, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। तो जान लेते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में। तो इस कैप्सूल का डोज है, एडल्ट व्यक्ति को एक कैप्सूल दिन में एक बार खाली पेट लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इस कैप्सूल का उपयोग करें। इस कैप्सूल को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, मुंह सूखा लगना, दस्त होना। इस कैप्सूल को लेने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नज़र आए तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेगनेंसी महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस कैप्सूल का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो जान लेते हैं किन किन लोगों को इस कैप्सूल का उपयोग नहीं करना है। तो अगर आपको लीवर का रोग है, गुर्दे की बीमारी है, पेट का कैंसर है, दस्त हो गए, तो आप इस कैप्सूल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। दोस्तों, अल्कोहल के साथ इस कैप्सूल का उपयोग ना करें। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।